हरियो हरियो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शरणी बाशाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई नर्मदेश्वर प्रचोदयात्। गुरुदेव नाम ललाम जिनका शर्भ मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा वश बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। तो गुरु मेरी सुध लीजिए और तुमसे दाता नाई हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। कि माई अंजनी के लाडिले पवन पुत्र बजरंग और लाज रखी सब भक्तन की जीत लई रखी सब भक्तन की जीत लई है जंग। अरे जीत लई है जंग प्रभु तुम बड़े महाबलधारी और दुष्ट दशानन रावण की लंका तुमने जारी। अरे दुष्ट दशानन रावण की लंका तुमने जारी। अरे जनक सुता को पता कियो समुदु बधवाई और प्रभु राम के संग में तुमने सारी सेना मारी। ऐसा ही नहीं अरे लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो प्रभु राम घबराए और रात ही रात में बूटी लाई के लखन के प्राण जाए। अरे रात ही रात में बूटी लाई के लखन के प्राण जाए। और क्या हुआ अरे देख तुम्हारी शक्ति को रामा दल जय जयकार भये मात अंजनी लाल को सबने शीस झुकाए। अरे मात अंजनी लाल को सबने शीस झुकाए। बलशाली बजरंग हाँ तेर सुनो बजरंग वाला हाँ। तुम ही मम कष्ट हरोगे और मम
रंग बली दंगल में लाज रखोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। अरे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। आदरणीय अर्चनी बंदनी, हमारी माता एवं बहने, पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, सम्मानी हमारे संत भगवान, आज आप लोगों के समक्ष में ऐसा इतिहास लेके चल रही हूं जो कि शायद है आप लोगों को सुनने से, उस इतिहास से ये ज्ञान प्राप्त होगा कि इंसान को संसार में आने के बाद कैसे कर्म करना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य आता है, उल्टे सीधे कर्मों को करके भगवान के यहां पुनः जाता है, नहीं जान पाता क्या करना है। आपने बहुत सी कहानियां सुनी है, बहुत से ऐतिहासिक प्रोग्राम सुने हैं जिनमें कोई तो कहानी 300 वर्ष पुरानी है, कोई तो 400 वर्ष पुरानी है, मगर ये आख्यान जो हम आप लोगों के समक्ष में लेके चल रही हूं, इस आख्यान को केवल 35 वर्ष हुए हैं। आइए देखेंगे, एक व्यक्ति जो था किशनपुर गांव में, बेचारा बहुत गरीब था, उसके एक बालक पैदा हुआ तो वो पिता खत्म हो गया, मां अकेली घर में थी। बड़े दुख की घड़ियों के साथ में मैया अपने बच्चे को पालने लगी। बालक जब शयाना हुआ, शयाना होने के बाद में हर मां बाप की इच्छा होती है कि अपने बेटे की अच्छी सी सगाई कर ले। उस मैया ने अपने लाडले लाल की जब शादी की, समय गुजरता गया, हुआ क्या, एक धर्म पत्नी पतिव्रता नारी रेखा नाम की लड़की जब घर में आती है, समय गुजरता जा रहा है, ध्यान देंगे कि नेम सिंह था नाम, किशनपुर गांव सुनो सरदारी, और जाके भैया नाए संतान रे सोच वे दिल में वारी, अरे सोच है भारी, सोच दिल भारी, सोच दिल भारी, सोच भैया नाए संतान रे सोच वे दिल में वारी, ऐसा ही नहीं और बैठी रो रही मात, भड़की गौ कात हृदय में जारी, हृदय में जारी, मुँह पर उठ गौ करतार रे धीर है मुँह पे वारी, रखना भक्तों। आज वो धर्म पत्नी घर में रहती रही, 7 वर्ष हो गई, कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन वो लड़की अपने पीहर के लिए चली जाती है, बूढ़ी मैया आंगन में बैठी है, अब पड़ोसन का बच्चा खेलने जब आ जाता है तो मैया उस बच्चे को देख करके अपनी आत्माओं में सोचती है, हे विदाता मेरे भी एक बालक पैदा हो जाता, अरे मेरे घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाता तो मेरा आंगन हरा भरा हो जाता। मैया दिल में विचार कर रही है, आइए कैसे रो रही, अरे दिल में चिंता है जारी,
बहुअर बाज का खाई रही प्यारी। मांगन में बैठी रो रही, तब तक उसका बालक आ गया नेम सिंह। उसने देखा, पूछने लगा, मैया तेरे आंखों में आंसू क्यों, तू क्यों रो रही है? तो सारा हाल बताया, बेटा मैं इसलिए रो रही हूं। तो लड़का क्या बोला माँ? अरे बेटा बोलो है मैया से काए को रोई रोई रही रुना रही, और मेरे बस की नाई मैया दस दस बेटी में दे दे खिलाई। पिछले जन्म के पाप हमारे सो विधना वही तो हो दिखाई गए, और धीरज धर ले निक तू जननी कऊ दिन सुनी है भू करता। अब तो रोई रोई कह रहो कुमार माता हरि लीला न्यारी है। वो बालक अपनी मैया को समझाने लगा कि मैं समझ रहे तू क्यों परेशान है माँ, लेकिन घबराओ नहीं मैया, अगर उस परम पिता की इच्छा होती तो हमारे संतान अवश्य पैदा हो जाती। मैया तुम चिंता मत करो। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा वैसे भी घर में कोई संतान नहीं है और बहू भी पीहर चली गई, अब तुम मेरी बात मानो तो ऐसा करो चले जाओ, बहू को लेके आओ, इस आंगन में अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी मैया के वचन सुन के वो लड़का ससुराल के लिए चला, और शाम हो गई ससुराल में जाके पहुंचा, भोजन किया, मगर नींद नहीं आ रही है क्योंकि मन में बही चिंता लगी है कि मेरी माँ संतान के लिए बड़ी दुखी है। हे परमात्मा, मेरी मैया का सारा जीवन दुख में ही निकल गया, और ये भी दुख से ज्यादा है कि मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। पत्नी पास में आ गई, महाराज हाँ क्या आप सोए नहीं, इतनी रात हो गई आप क्यों जाग रहे हैं? नेम सिंह बैठ गया चारपाई पर और अपनी पत्नी को समझा के बोला है, हे प्राण प्रिय कि सुनो मेरी सुंदर नारी, माता ने रुधन मचायो है, मेरी सुंदर नारे मात ने रुधनु मचायो है, और तो बुलावे के कारण बाने मोई पठवायो है। अरे तुम्हें हम संग में ले जाऊं, और रात कटे जा सवेरी मैये मिल पाऊं, उसी समय आरे बोली रही प्राण लगी प्यारी, हम समझ गए मेरे सजन नाई कोई मेरी ओहतारी। आगिन जोगिन बन जाऊंगी, कंबली है भू करता र मांग की बेटा लाऊंगी। सारी रात हो गई, दोनों प्राणी रोते रहे। लड़की समझ गई, महाराज मैं जान रही हूं कि तुम क्यों रो रहे हो, अरे मैं एक पुत्र नहीं पैदा कर सकी, यही तो दुख है तुम्हें, इसलिए अरे मेरी अंदर की गांठ विधाता ने नहीं खोली, नहीं तो मैं तुम्हें सच सच बता देती। हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकी, लेकिन क्षमा करना। सारी रात हो गई, सुबह हुआ,
लड़के ने जवाब दिया, मैया अकेली घर में है, रोते रोते मर जाएगी, तुम जल्दी चलना। बोली ठीक है। सुबह हुआ, लड़की तैयार होने लगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारी माताएं तैयार होती हैं तो समय तो वैसे ही लग जाता है ज्यादा। तैयार होते होते शाम के 6 बज गए और जिस समय उस लड़की को लेके वो बालक चला है, तो ध्यान रखना भक्तों, दोनों प्राणी जब चले हैं तो अशगुन होने लगी। लड़का ने जो ही पैर आगे बढ़ाया, एकदम से बिलैया रास्ता काट गई, खाली घड़ा नजर आए, तो उस लड़की की मां ने जवाब दिया, बेटा रुक जाओ, अशगुन हो रही। नहीं माना, अशगुन कितने होते हैं आइए ध्यान देंगे। अरे डगर चलत कहूं मार्ग में, और खाली घड़ा जो परे दिखाई, पहला अशगुन, खाली घड़ा नजर आए तो आगे पैर मत बढ़ाओ, ये अशगुन होता है। और दूसरा, अरे सूखी डाल कौआ बोले, अरे सूखी डाल कौआ बोले, और मार्ग में दो स्वान लड़ जाई, अरे बीच गेल मणिधारी मिले, अरे बीच गेल मणिधारी मिले, और रास्ता काटे बेरनी मिलाई, सूखी डाल पर कौवा बोलता है तो समझ लो अशगुन हो रहा है, और बिलैया काट जाए तो समझ लो पक्का अशगुन है। और अंतिम अशगुन कौन सा है, अरे घर से निकली जब कुमारू चले, अरे घर से निकली जब कुमारू चले, और पत्नी देवे नीरु बहाई, ध्यान रखना। आज उस लड़के को सभी लोगों ने बहुत समझाया, मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, मेरे लाल अशगुन हो रहे तुम मत जाओ। लड़का बोला, मेरी माँ अकेली घर में है, अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी, मुझे जाने दो। नहीं, उस लड़के को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अपनी पत्नी को लेके जब वहां से प्रस्थान करता है, उसी समय देखिए, जने धरो पे जनी पे पाऊ पे जनी रथ की टूटी, और रथ में बैठ न पाई गूंज जके नथ की टूटी, अशगुन हो रहे। अरे रथ जको ररकन लगो रोक रहे नर और नारी, और ये करात की जइयो यो तारी, अरे मेरी बहरनी मैया हो तई न डारो मो कुमारी, उस लड़के ने पत्नी को साथ में लिया और धीरे धीरे चलता जा रहा है। सब लोगों ने समझाया मगर नहीं माना। फरुखाबाद स्टेशन पर जाकर के पहुंचा, अपनी पत्नी के पास में बैठ गया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद रात्रि के 8 बज गई। दोनों ने टिकट तो लिया, सोच में बैठे थे मैया के पास कब पहुंचेंगे, तब तक ट्रेन आ गई। और ट्रेन में दोनों प्राणी जब बैठ गई, धीरे धीरे अंधेरी रात थी, जिस जगह उतरना था उस जगह नहीं उतर पाए, रास्ता भूल गए, दूसरी जगह उतर पड़े ही। और जो ही ट्रेन छूटी है तो देखा उस लड़के ने चारों तरफ निगाह करके
कहने लगे, हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए। पत्नी कहने लगी, महाराज हाँ, अब तो अंधेरी रात है, अब कहाँ जाएंगे? इतनी अंधेरी रात में तुम्हें कितना समझ आया कि कल चले आना तो क्या हो जाता, अब रात में कहाँ जाओगे? लड़का कहने लगा, चिंता मत करो। लड़की बैठ गई और रोने लगी आंखों में आंसू भर के, महाराज अरे जग में जिंदा ना रहूंगी, उधर रोड के किनारे ही, और लड़की रोती रही। लेकिन उस लड़के ने जवाब दिया, घबराओ नहीं, जो परमात्मा ने लिखा है वो तो होके रहेगा। मगर हुआ क्या, वो लड़की बोली है, महाराज तुमने किसी की बात को नहीं माना। अरे रोए रोए बेटी रही बिलखाई भारी, असगुन मैंने निहारे, अरे साजन माल बात हमारे, दूजो नहीं कोई देवर हजारी, अरे विधना दीनो दुख अपार, रात अंधेरी धरन ना दीख, बेटा बहुत रहो समझाए, जो विधना की रीत निराली, अरे राली कहन लगी समझ आई, बड़ी बड़ी भावई तन पैजेली, ओरे बंसी वाले श्याम तेरी लीला समझ हमें नहीं आई, उस लड़के ने समझ आया। रोते रोते दोनों प्राणी देखने लगे, उत्तर दिशा में एक बल्ब जलता हुआ नजर आया। तो लड़का कहने लगा, ऐसा करो यहां कोई गांव मालूम पड़ता है, हम और आप रात यहीं व्यतीत करेंगे, सुबह चलेंगे घर। उस लड़की को लेके पहुंचा तो गांव तो नहीं था, मगर वहां एक टेबल लगा हुआ था। उस टेबल पर एक बूढ़े डोकर लेटे हुए थे। डोकर से जाकर के उस लड़के ने हाथ जोड़ के विनय की, बाबा जी हाँ हम दोनों रास्ता भूल गए, धोखे से यहां उतर पड़े, अरे जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाए, मगर हम आपसे एक सहायता लेने आए हैं, मुझे यहाँ रात व्यतीत कर लेने दो। बड़े कहने लगे, बेटा यहाँ तो कोई जगह नहीं है, अरे भाई अगर रुकना है तो सामने चले जाओ, ये गांव दिखाई पड़ता है, मगर यहाँ कुछ नहीं है। बेटा कहने लगा, पिताजी अगर तुम्हारा बालक होता तो क्या तुम ऐसे भगा देते? नहीं नहीं, मुझे एक रात व्यतीत कर लेने दो। तब तक उस लड़की की तरफ निगाह पहुंच गई। उस लड़की की तरफ जब निगाह पहुंची, देखा कि यह लड़की तो बहुत जेवर पहने है। बुड्ढे की नीयत खराब हो गई और जवाब दिया कि ये तो घर बैठे लक्ष्मी आ गई, चलो कोई बात नहीं, बेटा इधर आओ, तुम रुक जाओ, तुम एक परदेशी हो और परेशान मत हो, ऐसा करो ये चारपाई पड़ी, तुम दोनों इसी पर लेट के सो जाओ,
और हम अपने बाहर लेट के सो जाते हैं। लड़का लड़की दोनों उसमें बैठ गए मगर नींद नहीं आई। बुड्ढे बाहर बैठ गए, इधर आपस में विचार चल रहे थे। बुड्ढे ने दिमाग बदला और कहने लगे, ये घर बैठे लक्ष्मी आ गई, ये तो लेनी है। तो क्या बहाना बनाया है बुड्ढे ने? पास में पहुंचे और बोले हैं, बेटा अरे थोड़ी देर के बाद कही उन बाबा ने बानी, मेरी सूखी जाय रही फसल लला निक लगवा दे पानी। कहने लगे, बेटा भगवान ने इतनी मुसीबत दी, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी फसल सूखी जा रही है, मेरा पानी लगवा दो। उसी समय अरे कहीं फिर बेटा ने पानी, अरे कहीं फिर बेटा ने पानी, हम नए बाबा चल पाई अकेली मेरी महारानी। लड़के ने जवाब दिया, पिताजी रात्रि का समय पत्नी को अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बुड्ढे रो करके क्या बोले, अरे मो पैर उठ गयो गिरधारी बेटा सुनिए कान लगाई, और कोई नहीं कुमार हमारे जन्म सुनी दुनिया पड़ी दिखाई, और बाज हमारी प्राण न प्यारी तासु बहती नीर की धार, और बाग हमारो हरियल सूखो गहरे कुआ सूख गए भाई, और तनिक सहारो मिल जाए लाला तेरी जरा पार हो जाए, और बेटी रोई गई जियरा में जुई दुखमो को पड़ो दिखाई। गजब हो गया उस लड़की ने, देखा कि पिताजी को बहुत दुख, तो माताओं की आत्मा बड़ी कोमल हुआ करती है। उस लड़की ने जवाब दिया कि महाराज कोई बात नहीं, इनके भी कोई संतान नहीं है और हमारी भी कोई संतान नहीं, अरे हम तो जानते हैं कि बिना संतान के कितना दुख होता है, कोई बात नहीं महाराज तुम चले जाओ इनका पानी लगवा दो। लड़का कहने लगा, देखो रात है और रात्रि के समय तुम्हें अकेला छोड़ के, बोले कोई बात नहीं चले जाओ। क्या बोली है समझा के, ओ सैया तुम बिनती सुन लो, और बाबा पे भीड़ पड़ी भारी। मैं भी तो बाज कहती हूँ ना जन्मो कोई हो तारी, उस लड़की ने कहा चले जाओ। तो लड़का कहने लगा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं चले जाते। लड़का तैयार हो गया, एक फावड़ा हाथ में लिया, एक बुड्ढे ने फावड़ा लिया, और जो ही गेट से बाहर हुए तो बुड्ढे ने देखा कि ये तो हमसे बड़ा जबरदस्त मालूम पड़ता है, इसका हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम से खोपड़ी को घुमाया और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस लड़के से जवाब दिया है कि बेटा ऐसा करो तुम लेट के सो जाओ, क्योंकि मेरी आत्मा ऐसा गवाह दे रही है कि तुम तो एक परदेशी हो और एक रात व्यतीत करने आए हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम सो जाओ, हम गांव में जा रहे और किसी पड़ोसी को लेके आएंगे तब हम अपना पानी लगवा लेंगे।
लड़का तो अंदर घुस गया। बुड्ढे ने एकदम से कुंदी लगा दी बाहर से। लड़का चीखता रह गया, बाबा तुमने कुंदी को क्यों लगा दिया? अरे पिताजी कुंदी खोलो ना, पिताजी आहा कुंदी खोलो ना। लेकिन बुड्ढे चले गए। अपने घर पहुंचे रात्रि के 12 बजे तो कुंदी खटकाई, हुआ क्या? सुन ले मेरी बात, कसम तेरी खात लक्ष्मी आई, मो पे खुश हुई गो करतार रे घड़ी मेरी सुख की आई। के समय और तुम यहाँ टेबल पे कौन है? बुड्ढे कहने लगे, अरे पागल कहीं की, तू तो सारी जिंदगी पागल रहेगी। अरे तुझे नहीं पता है घर बैठे लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी। और क्या कहा? और लड़के को धूमार संग में नारी लूटी जाई, लूटी जाई। बेटा कहां पे सोए रहे हैं, कदी है जल्द जगाई। एकदम से जवाब दिया, मेरे लड़के कहां सो रहे? अरे लड़कों को जगाओ, घर बैठे लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी। डोकरी खेने लगी, महाराज अरे कोई परदेशी तुम्हारे दरवाजे आया है, उस परदेशी को परेशान मत करना, मैं अपने बच्चों को नहीं जाने देंगी। अरे उस परमात्मा की कृपा से मुझे 3 बच्चे मिले, मगर मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करने दूंगी, तो वैसा करो चले जाओ। बुड्ढे ने लात मारी, डोकरी जमीन पर गिर पड़ी। और आगे बढ़ के बुड्ढे ने क्या किया? अरे हाथ न मिलई कटारी, परदेशी आया है, किसी मैया के कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे पास में आया है, तो उसे परेशान मत करना, क्योंकि जैसा हम करेंगे परमात्मा हमें वैसा ही फल देगा। इसलिए तुम ऐसा करो चले जाओ यहां से। डोकर कहने लगे, पागल कहीं की, तू नहीं जगाएगी तो मैं तो स्वयं जगा लूंगा, एक तरफ हो जा। बुड्ढे ने जाकर के 3 बच्चों को जगाया और 3 बच्चों को लेकर के जब चले ही पहुंच गई। लड़का लड़की सोए नहीं, बात कर रहे थे। बुड्ढे पता नहीं कहां चले गए कुंदी लगा के। और जो ही पहुंचे तो कुंदी को खोला, अपने बच्चों को अंधेरे में खड़ा कर दिया। लड़का कहने लगा, पिताजी हाँ आप गांव में गए थे? हाँ। कोई तुम्हारे साथ में आया? आंखों में आंसू भर के, कपट भरे आंसुओं को लेकर के बुड्ढे कहने लगे, बेटा हम आज देखा है मैंने, कोई किसी का नहीं है। क्यों? हम गए नगर के बीच, सोई गए सवरे नर नारी, मैंने बहुत कढूंढे लोग संग नहीं आयो कोई ओ तारी। पत
मौत में कोई नहीं संगी मेरे लाल, अरे विपत्ति में कोई नहीं संगी और दुख में कोई नहीं हो तुझे दुनिया ऐसी बेढंगी। उसी समय लड़का कहने लगा तो पिताजी रोना नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं आया, घबराओ नहीं, हम चलेंगे। अरे कहीं फिर बेटा ने पानी और चलो पिता हम चले लगा दी तेरो वजू पानी। उस लड़के ने जवाब दिया कि पिताजी हम चल रहे तुम्हारे साथ में। लड़का चला, पत्नी कहने लगी महाराज चले जाओ लेकिन जल्दी लौट के आना। बोले ठीक है। फावड़ा हाथ में लिया, एक फावड़ा बुड्ढे ने लिया, कमरे से निकल के खेत पर पहुंच गए। अंधेरी रात, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो ही खेत पर पहुंचे भोला भाला वो नहीं जानता था, बेटा कहने लगा पिताजी बताइए क्या करना है। बोले बेटा इस खांद को काटिए। लड़का झुक करके उस खांद को जब काटने लगा तो बुड्ढे ने फावड़ा गर्दन पर चला दिया। हुआ क्या, जब चोट चलाई बाबा ने बेटा ने शंका खाई है, क्या पागल हो गए ओ बाबा, क्या मति तेरी बोराई है। बुड्ढे ने फावड़ा चलाया, लड़का देखने लगा पिताजी अरे ये फावड़ा क्यों चला रहे हो। बुड्ढे कहने लगे बेटा बुढ़ापे का शरीर है, धोखे से छूट गया, अब तुम फिर बांध दो। अच्छा, लड़का पुनः झुक गया और पुनः खांड को बांधने लगा। उसी समय और दूजी चोट चली जैसी बेटा को क्रोध भयो भारी, तब धक्का मारो बाबा में तोलू आई गए तीनों तारी। जो ही उस लड़के पर दूसरा फावड़ा चलाया, लड़का को क्रोध आ गया, सोचने लगा बुड्ढे हमारे साथ आघात कर रहे हो। एकदम से ढकेला दिया तो बुड्ढे जाके जमीन पर गिर पड़े। उस लड़के को नहीं पता था कि मेरे दुश्मन पास में खड़े हैं, अंधेरे में छुपे हुए। वो तीनों बच्चे निकल आते हैं उस बुड्ढे के और उस लड़के पर वार करने लगे। डोकर ने जवाब दिया खड़े खड़े, क्या मेरा मुंह देख रहे हो, अरे इसे पकड़ लो, इसे मार दो और जेवर लेना है, तब तक रात व्यतीत हो ही जा रही है। तीनों टूट पड़े उस बेटे पर। हुआ क्या, और तीनों दुश्मन धारी के टूटे ललान देखी नजर पसारी और निश्चय जान लई जियरा में अवन बची है जान हमारी। समय और सुमिरन करके महातारी को एकदम कूद पड़ो तो भैसा के और काऊ ज्वान में भूसा मारे काऊ में लात दे तो फटकारी। कहा चार का एक किलो फंसी गवा तो एक पेश नहीं जाई और भारी खून बहु खुपड़ी से धरनी गिरो तमारो खाई और कई आवाज हाय मेरी प्यारी गोरी धन भज जा प्राण बचाई और मेरी जान बचन की नाई दुश्मन हम को दीनों मारी
और सुनी आवाज जब ही बेटी ने एकदम भाग पड़ी थी बहराई और दशा देख के कैसैया की और खेतन में गिरी गसुखाई उस लड़की को आवाज लगाई तीनों दुश्मनों ने जब लड़के को मारा है वो लड़का घायल होके जब गिर पड़ा बुड्ढे कहने लगे इसे जान से मार दो और नहीं तो जेवर हाथ से निकल जाएगा। उस लड़के को बेरहमी से उन दुश्मनों ने जब मार दिया आवाज लगाई अरे मेरी प्राण प्रिय तुम इस कमरे से निकल के भाग जाओ दुश्मनों ने मुझे तो मार दिया तुम भी मारी जाओगी भाग जाओ। उस आवाज को सुना हाय हाय गजब हो गया वो लड़की उस कमरे से निकल के भागी और जहां उसके पति की लहस पड़ी थी पहुंच गई। आज वो लड़की उस पति की लहस पर जाकर के बुरे तरीके से रोने लगी क्या बोली कि सजना निकबो हो कहां जाएगी अब तो मेरा कोई नहीं है नहीं मानी बात हमारी सजना सुनो सजना जंगल में जान गमाई और छेगी तेरी माता बलम सुनो ए नाथ जब पूछेगी तेरी माता सजना सुनो माता को का कहे कि समझा और सजना दिन है बातर भारी और राति अंधेरी धरन ना दिखे होनी सी सगाई रे मन रहा गजब हो गया। आज वो लड़की अपने पति की लहस पर अन्य अन्य भात विलाप करने लगी। बुड्ढे कहने लगे बेटा अरे जिस काम के हित में मैंने इस दुश्मन को मारा वो तो काम अभी हुआ नहीं जल्दी पकड़ लो इस डाहिन को पकड़ लो इसे मारना है क्योंकि इसका जेवर मुझे लेना है। वो लड़की रोती रही उस पति की लहस पर महाराज मैं ये नहीं जानती थी कितना तुम्हें समझाया था कि तुम अशुभन हो रहे मत जाओ लेकिन हुआ क्या लड़की रो के बोली अरे जब हम घर से चली संग में सासु लयो तानी वो से भारी हुई गई भूल रात बैरनी अंधियारी मगर से चली संग में सासु लयो तारी मुझसे भारी हुई गई भूल रात बैरनी अंधियारी और क्या
बोली वो दुखिया, अरे दुश्मन सुन ले बात हमारा, ये कर रात को करन बसेरो, तेरे पास पहुंच गई आए भोर हो तक हमर रमी जाती, कोई नहीं तू जो देवर हमार सासुल को यकीलोई ओतारी, अरे पैसे मो पे दुख अपार कौन दे सब हमर रमी जाऊं, मेरी बनी की बिगाड़ी दीना नाथ मेरी, अरे जैसी कपिला गाय सिंह ने आई बनी मैं मेरी, और वैसी दीना नाथ दशा भाई मेरी, हरियो द्वारिका नाथ शरण लई तेरी, दुख हरियो द्वारिका नाथ शरण लई तेरी, ध्यान रही। लड़की रोती रही लेकिन बुढ़े ने अपने बच्चों को इशारा किया और जवाब दिया भाग के पकड़ लो, लड़के भागे, उस लड़की पर वार करने लगे, उस लड़की को जब पकड़ लिया है तो ध्यान रखना, आज वो दुखिया वहां अकेली रोती रही मगर भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो लड़की उन दुष्टों के हाथ से किसी कारणवश छूट गई और जिस कमरे से भाग के आई थी उसी कमरे में पुनः पहुंची और कुंदी को लगा लिया और रोने लगी, हे विधाता अब तो मेरा कोई नहीं है। ओ बंसी वाले श्याम मुसीबत को न जन्म की डारी रे, जन्म की डारी रे, अरे जोड़ी बिछोड़ी मेरी परदेसन में जूझे बलम हजारी रे, तन में अब रोई लली जैया मात की आई रे, आज वो रोती रही कमरे के अंदर, बुड्ढे कहने लगे बेटा सुबह होने जा रहा है ऐसा करो इस कमरे को कैसे खोलोगे, उसने तो कुंडी अंदर से लगा ली। छोटा बालक बोला पिताजी हाँ एक बात बताऊं, ये कमरे में जो रोशनदान है ना इस रोशनदान को तोड़ दूं और इसी रोशनदान से मैं घुस जाऊंगा और इस कुंडी को खोल के इस डायन की सारी चीज को ले लेंगे। बुड्ढे कहने लगी शाबाश धन्यवाद तुमने ये तो बहुत अच्छी बात बताई, ऐसा करो बेटा तुम इस रोशनदान को तोड़ो, अरे जल्दी से जेवर ले लो। ठीक है लड़का चढ़ा और उस रोशनदान को तोड़ के घुसने लगा मगर वो लड़की उसमें रो रही थी कमरे में बैठी, उसने देखा कि दुश्मन आ रहा है, वही दशा है कि
तरुणी के नहीं फल फूल बिना, द्रगनी के न लाज बिना तरुणी के। और सरनी के नहीं सुचि सूर बिना, बिना पार द्वार बिना सर नीके। घरनी के न हो कई देखी सुने, घरनी के न हो बिना धर नीके। करनी के न हो बिना करनी के। उस लड़की ने देखा इस दुश्मन ने मेरे पति को तो मार ही दिया, मगर ये दुश्मन मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज अपनी मैया की याद करके रो रही थी कि मैया का अकेला बेटा है, उस मां को जब बताऊंगी तो उस मां की क्या दुर्दशा होगी। मगर ये दुश्मन, इन दुश्मनों ने मुझे पहले नहीं बताया कि मेरी चीज की वजह से, मेरी संपत्ति की वजह से मेरे प्राणपति को मारने के लिए जा रहे हैं, मगर ये चीज मैं पहले ही दे देती। अगर ऐसा बता देते, बहुत बिलाप करती रही। लड़का घुसने लगा, बुड्ढे कहने लगे बेटा देर मत करो, जल्दी अंदर घुस जाओ, कुंडी को खोल दो। उसी समय लड़का अंदर घुसने लगा तो उस बेटी ने देखा है कि ये दुश्मन मारने के लिए आ रहा है, तो उसने फावड़ा को उठाया और जो ही फावड़ा को चलाया है तो उस लड़के की गर्दन कट जाती है, रक्त बहने लगा। बुड्ढे खड़े खड़े देख रहे हैं, उसी समय सोचने लगे इस डाहिन ने तो मेरा बेटा मार दिया, तो हुआ क्या। लड़की उसमें रोती रही, बुड्ढे ने दोनों लड़कों से जवाब दिया कि तुम जाओ और इसकी छत तोड़ दो और इस डहन को मार दो, आग लगा दो। दोनों लड़के चले, उसी समय छत पर चढ़ गए और कट गए विद्युत तार भये बेकार दो तारी और जने झटका दीनों मार रे दोनों की मौत करारी। बिजली द्वारा मरे खेत में डरे तारी तो वो तारी बाबा के बिगड़े हो सरे होनी सिर्फ मनराई। अरे कहा चीताओ है रे कर तारी और सुन के मर जाए महातारी। अरे मेरी गोद भाई है खाली 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 हरियल पाग सूख गई डाली। दोनों लड़के छत पर चढ़ गए और जो ही फावड़ा को चलाया, इधर विद्युत तार पड़े हुए थे तो दोनों लड़कों को बिजली ने पकड़ लिया। दोनों लड़के खेत में जाके गिरे, दोनों की मृत्यु हो गई, अंधेरा हो गया। बुड्ढे चले अब तो भाग के खेत तक जाते, कहीं भाग के रोशनदान तक आते हैं, इस डाहिन ने तो मेरे सभी बालक मार दिए। लेकिन बुड्ढे को चैन नहीं पड़ा तो बुड्ढे सोचने लगे, जेवर नहीं ले पाया। आप जानते हैं कि टेबल में पटा निकलने के लिए जगह होती है, तो बुड्ढे उसी से घुसने लगे, पैर फिसला, बुड्ढे कुएं में गिर पड़े। तब तक सुबह हो गया। उन पुत्रों की मां खेत पर आती है घूमने के लिए, मेरे बेटे शाम को आए थे देखते ही चल के,
तो देखा है तीनों बच्चों की लहस पड़ी है, मैया बेहोश हो गई, गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई। इधर उस लड़की को जब कमरे से निकाला है तो भाग पड़ी। उसकी मां को जब खबर करवाई तो मैया पास में आ गई, तो उस लड़की ने रो करके जवाब दिया, मां अब क्या होगा। लड़का की लहस पड़ी थी, रोने लगी, अब तो कहा बताई दी सासुलिया मेरी हुई रही हूं कजी घर में। आंखों में आंसू भर के बोली, अरे सात परे की नाई निभाई, और बीच धार मेरी बाई छुड़ाई। अरे वो तो ओड़ी की सोई गौ कामरिया मेरी हुई रही हूं कजी घर में। आज नेम सिंह की मां लहस पर बेहोश हो गई। लड़की कहने लगी, मैया अरे हरद के दाग छूट नहीं पाए, अरे हरद के दाग छूट नहीं पाए, इन हाथन से सजन गमाए। और से छलू करी भजी गौ छल बलिया मेरी हुई रही हूं कजी घर में। अब तो कहा बताए दी सासुलिया मेरी हुई रही हूं कजी घर में। माता रोती रही, लड़की रोती रही। इधर उन बुड्ढे को कुएं में से जब निकाला गया, सब लोगों ने पूछा कि भाई ये दुर्दशा कैसे हुई, तो बुड्ढे कहने लगे, इस डाहिन ने मेरे तीनों बच्चों को मरवा दिया। लेकिन उन लड़कों की मां जो थी सामने आ गई और कहने लगी है, सिपाहियों इस लड़की का कोई दोष नहीं है, ये जो भी गलती है वो मेरे बुड्ढे की है, ये सर्वनाश मेरे बुड्ढे की वजह से हुआ है, इस लड़की का कोई दोष नहीं, इसे छोड़ दो। तो बुड्ढे को पकड़वा लिया और बुड्ढे को जेल में भिजवा दिया। उस लड़के की लहस को, जो नेम सिंह लड़का था, उसकी लहस को पोस्टमार्टम कराया और भिजवा दिया। मैया रोती रही रोती रही। उन तीनों बच्चों की मां ने भी जान दे दी। इधर वो लड़की अपनी सासुर के साथ में जब घर आती है, 6 महीने के बाद में उसकी मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आज बड़े दुख के साथ में वो लड़की अपना जीवन यापन करती जा रही है। तो ध्यान रखना, जिसके साथ में हम जैसा कर्म करते हैं भगवान वैसा ही फल देता है। यानी मुख्य शीर्षक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ध्यान देंगे, बुड्ढे का सर्वनाश हो जाता है, तीनों बच्चे मर चुके उसी समय। अरे अपने ही बल पे रही हो ना ले बोतन कसहारो, क्या हुआ महाराज करो अब उन प्रभु की तुम याद, और संपत्ति के चक्कर में भैया हो गए घर बर्बाद। अरे सुनाए दई कहानी मैंने भरपूर, और सभी नमस्ते लियो भैया करियो माफ कसूर। ध्यान रखना, टूटे फूटे शब्दों में जो कहानी आपको सुनाई है, क्षमा चाहेंगे गलतियों के लिए। और ये ढोलक पर संगति कर रहे हैं राजीव यादव, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं श्री सत्यवीर सिंह यादव। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण।
हरिओ हरिओ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शरणी बाशाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई नरम देशुर प्रचोदया।